जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही एक अच्छी खबर निकल के आई है उन लोगों के लिए जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे कर भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते थे, यानी कि बिना टेस्ट दिए आप लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। इसके संबंध में दोस्तों मोर्थ की तरफ से एक नई गाइडलाइन दोस्तों प्रस्तुत की गई है। तो बहुत सारे लोगों का ये सपना था कि हम बिना टेस्ट दिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लें और टेस्ट ना देना पड़े, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल डेफिनेटली काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है। तो आज की इस गाइडलाइन के बारे में हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे और आपके हित में क्या खबरें निकल के आई हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो पे जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। अगर स्किप कर देंगे तो आपको पूरी जानकारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो लास्ट तक जरूर जुड़ी रहे वीडियो पे। उसके पहले दोस्तों वीडियो को लाइक का बटन जोर से दबाइए, आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइए, हम टारगेट रख रहे हैं वीडियो पे 4000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर से जरूर पूरा करेंगे। वीडियो को शेयर सभी लोगों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि सबको इस जानकारी के बारे में पता हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ट्रांसपोर्ट जगत की आपको समय पर मिलती रहें आपके मोबाइल पर। दोस्तों मोर्थ की तरफ से दोस्तों नई गाइडलाइन के हिसाब से दोस्तों अब आपको बिना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दिए अपने ड्राइवर बनवा सकते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है जो कि 1 जुलाई 2021 से ऑल ओवर इंडिया में ये सुविधा लागू हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है जो कि आपको किसी और चैनल पर जानकारी नहीं मिलेगी। अब मैं चूँकि RTO संबंधित कामकाज देखता हूँ तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, इसको पॉइंट टू पॉइंट आप समझिएगा जरूर। इसमें सबसे पहले तो 1 जुलाई से दोस्तों आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में दोस्तों दाखिला लेना होगा, और वो भी गवर्नमेंट के सर्टिफाइड जो सो DL स्कूल जो होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे वहाँ पर। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर किसी भी RTO कर्मी के कहने पर या फिर किसी दलाल के कहने पर, ब्रोकर के कहने पर आप किसी भी DL स्कूल में दाखिला ले लें तो बिल्कुल ये मान्य नहीं होगा। इसमें आपको गवर्नमेंट से सर्टिफाइड दोस्तों जो DL स्कूल होंगे वहाँ पर दाखिला लेना होगा, जो कि 1 जुलाई 2021 से ओपन हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में DL स्कूल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स या ड्राइविंग स्कूल, किसी किसी स्टेट में DL ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है, किसी किसी स्टेट में ड्राइविंग स्कूल बोला जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत दोस्तों दो कोर्सेस अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने वाली है, जो कि दोस्तों पहला है रेमेडिट और रिफ्रेशर के पाठ्यक्रम दो अवेलेबल रहेंगे आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ड्राइविंग स्कूल में। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि दोस्तों कितने दिन में हमको वे कंप्लीट करना है, या फिर हमको कितने दिनों का कोर्स करना है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 सप्ताह का दोस्तों आपको कोर्स करना पड़ेगा। 4 सप्ताह यानी कि आप मान के चलिए 28 डेज या 30 डेज आप मान के चलिए, तो 4 सप्ताह का यहाँ पर आपको कोर्स करना है। और दोस्तों यहाँ पर एक और एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर आपको 30 घंटे मिनिमम दोस्तों कोर्स ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में वहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, जैसे हमने बताया रेमेडिट और रिफ्रेशर, दो कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दोनों कोर्स करने हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में। अगर आपको बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने बोला था कि लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ध्यान से सुनिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो एडवाइजरी और जारी की गई है मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर मध्यम वाहन दोस्तों जो रहेंगे उसमें 2-व्हीलर 4-व्हीलर की कैटेगरी का जोड़ा गया है, और दोस्तों जो भारी वहाँ पर मोटर वाहन है उसमें ट्रक बस एक्सेट्रा रहेगा। तो 4 सप्ताह का कोर्स आपको तब करना है जब आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर का लाइसेंस बनवाने के लिए जाएंगे, तो बिना टेस्ट दिए तो 4 सप्ताह का। और अगर आप भारी मोटर वाहनों के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर 6 सप्ताह यानी कि 42 डेज का वहाँ पर कोर्स करना पड़ेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में। तब जाके आप जब ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स करेंगे तब आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा 42 दिन बाद और 28 दिन बाद, अगर आप 2-4-व्हीलर या फिर हैवी के लिए जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब समझ लीजिएगा। तो 28 दिन बाद आपको कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप ये पूरा कर लेंगे, तो उस कोर्स में सीरियल नंबर आपका सब कुछ रहेगा, वही सीरियल नंबर आपको ड्राइविंग फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो वहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद अपना DL सर्टिफिकेट दोस्तों ऑनलाइन अपलोड करेंगे, जो आपका वहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सर्टिफिकेट मिला है वो, और सीरियल नंबर डालेंगे, तो आपको एग्जेम्पशंस किया जाएगा यानी कि आपको छूट दी जाएगी ड्राइविंग टेस्ट से।
आपको बचाया जाएगा। तो आप वहाँ पर ना तो स्किल टेस्ट देंगे और ना ही प्रैक्टिकल टेस्ट, आप दोनों टेस्ट से बच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, बिना RTO जाए बिना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, जो कि आपको और कोई भी चैनल पे इस तरीके से को समझाने वाला शायद ही कोई होगा, जिस तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं खुद कामकाज देखता हूँ RTO संबंधित, लेकिन मैं आपको उस लैंग्वेज में नहीं समझाता हूँ, हाईली बिल्कुल ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको ये लैंग्वेज हमारी कैसी पसंद आती है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कुछ इस तरीके से बिना दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट दिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। यही एक नई प्रक्रिया जोड़ी गई है, इसके लिए आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में दाखिला लेना होगा। 1 जुलाई 2021 से हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन होंगे और हैं भी, जहां भी नहीं है वहां पर ओपन किए जाएंगे। किसी किसी ज़िले में जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर दो दो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स को ओपन किया जा रहा है। बिहार में इसका काम बहुत ज़ोर शोर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में तो ऑलरेडी हैं ही। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सभी जगह ये काम तो अभी 1 जुलाई से ओपन हो जाएंगे, लेकिन सभी जगह ये दोस्तों ओपन हो सकता है ना हो पाए, ऑलरेडी अप्लाई ना हो पाए। तो ये दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट है। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली में, तो जहां पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स हैं वहां पर दोस्तों ये अमली जामा पहनाया जा चुका है। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग जो टेस्ट हैं ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक, वहीं पर दोस्तों आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार का मकसद क्या है कि अगर आप बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर रहे हैं तो आपको पूर्ण जानकारी दोस्तों रोड साइंस के बारे में, यानी कि जो सिंबल्स होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे गाड़ियों को चलाना है, कैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, सारी जानकारी आपको उस एक महीने में अच्छे से समझाई जाएगी, तभी आप काबिल बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के, जो कि सरकार का मेन मोटिव है। तो यही दोस्तों मकसद है। और कुछ इसी तरीके से लॉकडाउन में आपको तोहफा मिला है कि बिना RTO में विजिट करें, बिना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दिए आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। बट कैसे बनता था ये आपको और कोई किसी वीडियो में जानकारी नहीं थी मिली थी, तो इसीलिए मैंने आपको विस्तृत तरीके से इस वीडियो में जानकारी प्रस्तुत करके बताया है। वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पर आइए, जुड़िए, ट्विटर पर जुड़िए, वहाँ पर मैं आपकी समस्याओं को 24/7 सबसे कम टाइम पर इंस्टाग्राम पर जवाब हम देते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पर @TechnicalAlokji, ट्विटर पर, टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर, और वहाँ पर फेसबुक पर, सबसे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाकर आप वहाँ पर फॉलो करिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए, हमसे बातचीत करिए, आइए वहाँ पर अच्छे से जुड़कर बातचीत करते हैं। इंस्टाग्राम पर जरूर आइएगा। और इस वीडियो को अभी के नए तक लाइक नहीं किया, यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत आभार दिल की गहराइयों से। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ट्रांसपोर्ट जगत की आपसे मिस ना हो, आपके मोबाइल पर पहुँचती रहें समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।